गुप्त सूचना के आधार पर मुंगेर कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलजार पोखर इलाके में छापेमारी कर मुंगेर पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर की गई छापेमारी में पुलिस ने गुलजार पोखर, मकससपुर एवं टीका रामपुर क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध हथियार बनाने का ढेर सारा औजार सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए सामानों में दो नाली बंदूक, दो अर्ध निर्मित देसी कट्टा, एक पीस 12 बोर का गोली, दो पीस 7.65 एमएम की गोली, 40 पीस दो नाली बंदूक की बैरल, बेस मशीन 3, अर्ध निर्मित दो नाली बंदूक एक पीस के अलावा 3 रेती, 5 छेनी और 5 आरी पत्ती शामिल है। गिरफ्तार लोगों में दो मुंगेर बंदूक कारखाने का कर्मचारी भी है, जो ऑर्डर मिलने पर हथियार बनाकर उसे आपूर्ति करने का काम करते थे। रिटायर बंदूक कारखाना मुंगेर के कर्मी रंजीत कुमार शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि 2013 में बंदूक कारखाना से सेवानिवृत्त होने के बाद जीविकोपार्जन के लिए इस काम को कर रहे थे। सन्मार्ग के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान के साथ सुरेश कुमार की रिपोर्ट। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।